हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू फिल्मी चिड़िया। आज हम एमिली द क्रिमिनल मूवी की स्टोरी को समझेंगे। ये फिल्म 2022 की है और आईएमडीबी ने इसे 6.7 की रेटिंग्स दी हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एमिली बेनेटो को देखते हैं, जो कि अपने परिवार से दूर लॉस एंजलिस में रहती है और यहाँ वो कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए आई थी। लेकिन अभी तो वो बुरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है। दरअसल उसके ऊपर $70,000 का कर्जा है, जो कि उसने पढ़ाई के लिए लिया था। और अब एमिली कई जगह नौकरी की तलाश में भटकती रहती है, मगर सभी जगह उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस है। उसने एक आदमी पर बुरी तरह से हमला करा था और उसकी जान जाते जाते बची थी। और ऐसा उसने क्यों करा था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। हालांकि ये केस उसके पास्ट का है, मगर हर जगह जहां एमिली नौकरी के लिए जाती है, वहां उसका बैकग्राउंड चेक होता है और उसमें इस केस की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से उसे मजबूरी में फूड डिलीवरी का काम करना पड़ता है, जिसमें उसे पैसा भी बहुत कम मिलता है। और जो मिलता भी है, तो वो सारा पैसा उसके लोन की इंस्टॉलमेंट्स में कट जाता है। मतलब बात साफ है कि एमिली बड़ी ही मुश्किलों भरे दौर से गुजर रही है। एमिली एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहती है ताकि उस पर रेंट का लोड ना आए। एमिली की एक बेस्ट फ्रेंड भी है, जिसका नाम लिज है। और लिज एक प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी में मैनेजर है, और काम से ही सही, मगर उसे देश विदेश जाने को भी मिलता रहता है। और इसीलिए एमिली को लिज की नौकरी बहुत अच्छी लगती है। तब लिज उसे कहती है कि वो उसके लिए भी उसके ऑफिस में बात करेगी, और उसकी बॉस उसका बैकग्राउंड भी चेक नहीं करवाएगी अगर वो उसे रेकमेंड करेगी तो। जिसके बाद उसको जेवियर मिलता है। जेवियर एमिली के साथ ही फूड डिलीवरी का काम करता है। तब वो एमिली को डमी शॉपिंग के बारे में बताता है और कहता है कि उसने भी इसके जरिए $200 बनाए, वो भी सिर्फ एक घंटे में। वो एमिली को भी ये ट्राई करने को कहता है। वो एमिली को एक कॉन्टैक्ट नंबर देता है, जिस पर एमिली को मैसेज करना है। और जब एमिली उस नंबर पर मैसेज करती है, तो उसे एक एड्रेस मिलता है, जहां उसे अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंचना था। एमिली अगले दिन उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां उसे यूसेफ नाम का आदमी मिलता है, जो सबको काम बताता है। दरअसल ये एक गलत काम होता है, जिसे डमी शॉपिंग कहते हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ स्टोर में जाकर शॉपिंग करनी है बस, और बिलिंग के टाइम काउंटर पर उनके दिए क्रेडिट कार्ड का यूज करना है। वो कहता है कि काम बहुत आसान है, बस जाओ और शॉपिंग करो। दरअसल यूसेफ एक गैंग चलाता है और ये लोग नकली क्रेडिट कार्ड्स बनाते हैं, मगर इन क्रेडिट कार्ड्स की खास बात यह है कि ये नॉर्मल कार्ड्स की तरह ही काम करते हैं। इन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स का डेटाबेस है, जिसके जरिए ये नकली कार्ड्स बना देते हैं। जिसके बाद यूसेफ सबसे कहता है कि इस काम को करने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं है, अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आप जा सकते हैं। एमिली ये काम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो जाने लगती है, पर यूसेफ उसे रोकता है और बताता है कि इस काम में कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ शॉपिंग ही तो करनी है। और अब यूसेफ के थोड़ा समझाने के बाद एमिली ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है, और वो सबको एक एक क्रेडिट कार्ड देते हैं और कहते हैं कि सबको इससे एक टीवी खरीद कर लाना है। तब एमिली पूछती है कि किसी को उस पर शक हुआ और उसकी आईडी किसी ने मांगी, तब वो क्या करेगी। पर तभी वो एक नकली आईडी उसे दे देते हैं, जिसपे एमिली का फोटो भी लगा हुआ था। और अब वो सभी लोग शहर में अपने अपने पसंद के स्टोर में चले जाते हैं, जिसके बाद एमिली बड़ी ही आसानी से टीवी ले लेती है, और मिले हुए उसी कार्ड से वो उसका पेमेंट भी कर देती है। और सबसे हैरानी की बात यहाँ यही होती है कि पेमेंट एक्सेप्ट भी हो जाता है, जिसके बाद वो टीवी यूसेफ ले लेता है और एमिली को उसके काम के $200 दे देता है। और अब यूसेफ एमिली को एक और काम करने के लिए पूछता है, जिसके उसे $2,000 मिलेंगे, मगर एमिली पूछती है कि काम क्या करना होगा। तब यूसेफ उसे कहता है कि कल तक उसे मैसेज आ जाएगा कि क्या काम है। वो उसे एक फोन भी देता है और कहता है कि अब से वो इसी नंबर पर बात करेंगे, ताकि उसकी आइडेंटिटी लीक ना हो और वो सेफ रहे। जिसके बाद एमिली अपनी फूड डिलीवरी वाली ड्यूटी पर चली जाती है, जहां उसे जेवियर मिलता है, जो उससे पूछता है कि $200 मिले या नहीं। तो एमिली हंस देती है और वो जेवियर से पूछती है कि क्या उसने उसके बाद भी उनके, यानी कि यूसेफ के साथ कोई काम करा था। मगर जेवियर कहता है कि वो काम तो करना चाहता है, मगर उसके बाद उसे अब तक उन लोगों ने कॉन्टैक्ट ही नहीं करा। एमिली को इस बात पर थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसे दूसरे काम के लिए भी चुना गया था। एमिली अब यूसेफ के अगले मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और जब बहुत टाइम तक कोई मैसेज नहीं आता है, तो गुस्से में वो फोन डस्टबिन में फेंक देती है। मगर तभी फोन की नोटिफिकेशन रिंग बजती है, और फिर एमिली तुरंत फोन निकालती है, जिसमें उनका ही मैसेज होता है। अब एमिली अपना काम बीच में ही छोड़कर जेवियर को ऑर्डर डिलीवर करने का कहती है और वहां से निकल जाती है। अब वो यूसेफ से मिलती है, जो उसे अब अगला काम करने को कहता है, जो कि एक कार शोरूम से कार खरीदने का काम था। यूसेफ उसे कहता है कि इस काम में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि कार्ड स्वाइप होते ही वेंडर को बैंक से फोन जरूर आएगा, और तब उसे पता चल जाएगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। मगर इस सब प्रोसेस में 8 मिनट लगेंगे, तो कार्ड स्वाइप होते ही उसे 8 मिनट के अंदर कार लेकर वहां से निकलना होगा। जिसके बाद एमिली शोरूम में पहुंच जाती है, जहां डीलर उसे कार देखने को कहता है, लेकिन एमिली कार देखे बिना ही खरीदने को तैयार हो जाती है। तो वेंडर को एमिली पर थोड़ा शक होता है, मगर जब पेमेंट के लिए वो कार्ड स्वाइप करता है,
तो कार्ड प्रोसेसिंग में काफी समय लगाता है, मगर फिर कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है और वो एमिली को फिर कार तक ले जाते हैं। पर इस सब प्रोसेस में 8 मिनट हो जाते हैं, तभी उस आदमी को एक फोन आता है और उसे पता चल जाता है कि एमिली ने उनके साथ फ्रॉड करा है। वो एमिली को कार से उतरने को कहता है और कार का दरवाजा खोलकर वो एमिली को बाहर निकालकर एक गुस्सा भी मारता है, मगर एमिली उसे धक्का देकर कार लेकर वहां से भाग जाती है। अब वो आदमी भी दूसरी कार से एमिली का पीछा करता है। तभी एमिली को रोड ब्लॉक मिलता है, तो उसे रोकने के लिए रास्ते में एमिली अपनी गाड़ी रोक देती है और उसके पास आते ही वो उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है और वहां से भाग जाती है। एमिली हमेशा सेफ्टी के लिए एक पेपर स्प्रे अपने साथ रखती थी, जिसके बाद वो यूसेफ को कार दे देती है और काम के $2,000 ले लेती है। तब यूसेफ उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी नाक से तो खून आ रहा है। तब वो बताती है कि उस आदमी ने उसे मारा था और आज तो वो पकड़ाने से बाल बाल बची है बस। और अब एमिली यूसेफ पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि यही कारण है कि तुम दूसरे लोगों को ऐसे काम पर भेजते हो ताकि तुम खुद ना फंसो। जिसके बाद चिंता में यूसेफ एमिली के पीछे आता है और उसे उसके घर ड्रॉप करता है, जहां वो एमिली को बताता है कि जल्द वो उसके सपनों का घर लेने वाला है। वो अपने घर का पिक्चर भी एमिली को दिखाता है। एमिली कहती है कि क्या बात है, टीवी चुराने में क्या इतना पैसा है। तब यूसेफ हंसने लगता है। तब एमिली भी ये काम सीखने की इच्छा जताती है, मगर यूसेफ कहता है कि अगर वो ये काम उसे सिखा देगा तो उसमें उसका क्या फायदा है। तब वो कहती है कि अगर वो उसे सिखाएगा तो वो एक बार और शॉपिंग करके उसे एक और कार ला देगी, जिसके अगले दिन वो फिर यूसेफ से मिलती है, जो उसे अपने हाइड आउट में ले जाता है, जहां वो उसे कार्ड बनाना सिखाता है। वो कहता है कि कार्ड्स की डिटेल्स वो उसे दे देगा, लेकिन कार्ड्स उसे खुद बनाने होंगे, और डेमो के तौर पर वो उसे 1-2 कार्ड्स बनाकर दिखाता है और बनाने की सभी बारीकियां भी उसे सिखा देता है। और खरीदा हुआ सामान बेचने के लिए वो उसे 1-2 डीलर्स भी बताता है जो चोरी का माल खरीद लेते हैं। साथ ही वो उसे कुछ सावधानियां भी बताता है, जैसे कि ATM में कभी कार्ड नहीं यूज करना और एक स्टोर में हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं जाना और किसी को भी अपना घर कभी नहीं दिखाना। और वो कहता है कि अगर वो ये सारे रूल्स फॉलो करेगी तो वो हमेशा सेफ रहेगी। जिसके बाद वो उसे एक कार्ड प्रिंटिंग मशीन और सेफ्टी के लिए एक स्टन गन, जिसे टेजर भी कहते हैं, देते हुए कहता है कि अब प्रैक्टिस करना और इससे जो भी पैसा तुम कमाओगी वो सब तुम्हारा। यहां ये सब देखकर ऐसा समझ आता है कि अब यूसेफ एमिली को चाहने लगा है और सिर्फ इसलिए वो उसकी इतनी मदद कर रहा है। जिसके बाद एमिली उसके घर जाते ही कार्ड बनाने की प्रैक्टिस करती है और कई सारे कार्ड्स बनाती है। वो कई टीवी और कीमती सामान खरीद कर अब माइकल नाम के एक डीलर को बेचने लगती है। वो ऐसे करते हुए कई $1,000 बना लेती है और अब वापस से यूसेफ के पास जाती है और बताती है कि उसने काफी पैसा बना लिया है। तब यूसेफ उसे कहता है कि तुम में कुछ तो खास बात है, हम साथ में भी काम कर सकते हैं। पर अभी के लिए वो उसे कुछ और हाई लिमिट कार्ड्स की डिटेल्स निकाल कर देने लगता है। तभी उसका कजन खलील भी वहां आ जाता है और एमिली को वहां देखकर उसे कुछ खास खुशी नहीं होती। तब वो यूसेफ को अलग बुलाकर उससे कुछ बात भी करता है। दूसरी तरफ एमिली की फ्रेंड लिज फिर एक बार काम के सिलसिले में बाहर जा रही थी। तब वो एमिली को उसके घर पर रहने का कहती है और उसके डॉग का भी ध्यान रखने को कहती है। जिसके बाद एमिली के पास एक नंबर से मैसेज आता है कि उसे कुछ सामान चाहिए। तब एमिली काफी समय तक उसका इंतजार करती है पर वो नहीं आता है। तब एमिली वापस अपने घर लौट जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो कहता है कि वही वो आदमी है जिसे सामान चाहिए था। इतना कहते हुए ही वो एमिली पर अटैक कर देता है और उसे जमीन पर लिटा देता है और उसके गले पर एक धारदार कटर रख देता है। इस आदमी के साथ एक लड़की भी थी जो अंदर एमिली के घर में पैसा ढूंढने लगती है। तब एमिली बताती है कि अंदर एक तिजोरी में पैसा रखा है और वो तिजोरी से वो सारा पैसा ले लेते हैं और साथ में उसकी फ्रेंड का डॉग भी वो साथ ले जाते हैं। उनके जाते ही एमिली को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सारा पैसा उसकी अब तक करी पूरी मेहनत से उसने कमाया था, इसीलिए वो उस आदमी के पीछे जाती है जो उसे एक गाड़ी में बैठा दिखता है और उसे जाते ही वो स्टन गन से करंट देकर बेहोश कर देती है। और उसके साथ वाली लड़की डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और उससे लूटा पैसा और सारा सामान वापस कर देती है। यहां इस बात का पता चलता है कि एमिली कोई सीधी साधी लड़की नहीं जिसे कोई भी बेवकूफ बना ले और ठग ले। एमिली किसी भी सिचुएशन में डरती नहीं है और वो एक निडर और बहादुर लड़की है जो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। जिसके बाद लिज भी उसकी ट्रिप से लौट आती है और वापस आकर वो एक पार्टी देती है जिसमें एमिली यूसेफ को भी इनवाइट करती है। तभी लिज एमिली को बताती है कि उसके ऑफिस में एक जगह खाली हुई है जिसके लिए उसने एमिली को रिकमेंड करा है, तो जल्द उसकी बॉस एमिली को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी। ये बात सुनकर एमिली बहुत खुश होती है। पार्टी के बाद एमिली और यूसेफ एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और यहां उनका रोमांस तेजी पकड़ लेता है और वो इंटीमेट भी होते हैं। दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर यूसेफ एमिली को अपना ड्रीम होम दिखाता है जो वो जल्द ही खरीदने वाला है, जिसके बाद वो एमिली को अपनी माँ से भी मिलवाता है, जिन्हें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि एमिली और यूसेफ जल्द शादी करेंगे। लेकिन तभी वहां उसका कजिन यानी कि खलील भी आ जाता है
और वो उन्हें बताता है कि एमिली सही लड़की नहीं है और उसने नियम तोड़ा है और उसने एक ही स्टोर में कई बार शॉपिंग करी है, जिस वजह से स्टोर ने उसकी फुटेज निकाल दी है और पुलिस अब एमिली को ढूंढ रही है। और अब खलील बोलता है कि ये लड़की खुद भी फंसेगी और हम सबको भी फंसाएगी। वो और भी कुछ अश्लील बातें बोलता है एमिली के लिए। तब एमिली उसे कहती है कि फिर से बोलना तुमने क्या कहा अभी। एमिली की हिम्मत देखकर खलील यूसुफ से कहता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस लड़की में तुमसे ज्यादा हिम्मत है। जिसके बाद एमिली को लिज की कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, मगर इंटरव्यू के दौरान उसकी बॉस उसे कहती है कि शुरुआत में वो उसे सिर्फ इंटर्न के तौर पर रखेंगी और उसे इसका पैसा नहीं मिलेगा, जिस पर एमिली उसकी बॉस को खरी खरी सुना देती है और कहती है कि फ्री में काम कराने का अच्छा तरीका निकाला है आपने, और फिर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद एक दिन एमिली को यूसुफ मिलता है। उसकी नाक से खून बह रहा था, उसकी उसके कजन खलील से हाथापाई हुई थी और अब गुस्से में वो एमिली से कहता है कि वो यहां से भाग जाएंगे सारा पैसा लेकर। दरअसल उसके कजन और यूसुफ ने इस धंधे से अब तक कमाया सारा पैसा, उनके गोडाउन और बैंक के एक ज्वाइंट अकाउंट में रखा था और इसी पैसे को लेकर भागने की बात वो कर रहा था। और अब यूसुफ प्लान बनाकर सारा पैसा निकालने जाता है, लेकिन वो गोडाउन में जाकर देखता है कि वहां पैसा है ही नहीं और बैंक अकाउंट में भी पैसा नहीं था, जिसका मतलब ये हुआ कि उसका कजन पहले ही सारा पैसा लेकर वहां से भाग गया था और उसका फोन भी बंद था। ये सब देखकर यूसुफ बहुत परेशान होता है और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, और वो कह रहा था कि ये उसकी जिंदगी भर की कमाई थी और अब उसे सब कुछ दोबारा शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। मगर एमिली उसे समझाती है और कहती है कि जब वो तुम्हारा पैसा है तो तुम उसे जाने कैसे दे सकते हो और ऐसे हार कैसे मान सकते हो। तब यूसुफ उसे बताता है कि खलील जिन लोगों के साथ पिछले कुछ वक्त से काम कर रहा है वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। तब एमिली कहती है कि तुम उन्हें क्यों खतरनाक मानते हो, खतरनाक हम भी हैं और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर वो कहती है कि चलो मेरे साथ अभी खलील के घर और हम अभी अपना सारा पैसा उससे वापस लेकर आएंगे। जिसके बाद एमिली उसके काम पर जाती है और कुछ जरूरी सामान जैसे कटर और टैग्स लेकर वो वहां से निकल जाती है। वो यूसुफ के साथ कार से अब उस जगह पहुंच जाती है जहां खलील छुपा हुआ था। तभी कार में यूसुफ एमिली से पूछता है कि तुम पर केस क्यों हुआ था। वो उसी केस की बात कर रहा था जिस वजह से आज तक एमिली को कहीं जॉब नहीं मिल सकी और उसे गलत काम की राह पर जाना पड़ा। अब एमिली उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, मगर उनकी अक्सर आपस में लड़ाई होती रहती थी और एक दिन ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसने उसे जमीन पर पटक कर उसके गले में चाकू अड़ा दिया था। वो सिर्फ उसे डराना चाहती थी, मगर उसे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि वो बस उसके दिल में वो डर नहीं बिठा पाई जैसा कि वो बिठा सकती थी, तो वो कभी पुलिस के पास नहीं जाता। अब इसके बाद एमिली पहले उस घर पर जाती है और कहती है कि वो खाने की डिलीवरी देने आई है और खलील ने ये खाना मंगाया है। तब वो आदमी पार्सल लेने जैसे ही बाहर आता है तो एमिली उसे स्टन गन लगाकर गिरा देती है और फिर वो यूसुफ को भी बुला लेती है और वो लोग इस आदमी को उठाकर उनकी कार की डिक्की में डाल देते हैं और उससे पूछते हैं कि अंदर कितने लोग हैं। तब वो कहता है कि 6 या 7 होंगे और अब वो लोग इस आदमी का फोन ले लेते हैं और अंदर जाकर वो सभी लोगों को उसके फोन से ट्रिक करके एक मैसेज करते हैं और सबको बाहर भेज देते हैं। जिसके बाद वो घर खाली हो जाता है और वो लोग खलील के कमरे में जाते हैं, मगर वो कमरे में नहीं होता तभी वो पीछे से आकर यूसुफ को सर में जोर से मारता है और यूसुफ वहीं गिर जाता है और अब वो एमिली को मारने लगता है और इस सब में एमिली की स्टन गन भी गिर जाती है। तब किसी तरह से एमिली उसकी ट्राउजर की पॕकेट से एक चाकू निकालकर खलील को 3-4 बार घोंप देती है। खलील बेसुध हो जाता है और वो उसके गले में चाकू अड़ाकर उसे मारने की धमकी देते हुए पूछती है कि पैसा कहाँ है। तब खलील बताता है कि फ्रिज में उसने सारा पैसा रखा है। तब तुरंत वो नीचे जाकर फ्रिज चेक करती है जिसमें से उसे सारा पैसा मिल जाता है और अब वो यूसुफ को सहारा देते हुए साथ ले जाती है, मगर उसे कार की चाबी नहीं मिलती, शायद वो कहीं गिर गई थी। और तभी वहां पुलिस भी आ जाती है जिसे घायल पड़े खलील ने बुलाया था। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर यूसुफ से माफी मांगते हुए एमिली अकेले ही वहां से भाग जाती है, जिसके बाद पुलिस एमिली के घर भी जाती है मगर वो वहां नहीं थी। अब एमिली ने वो शहर ही छोड़ दिया था और वो अब साउथ अमेरिका में आ गई थी जहां वो हमेशा से आना चाहती थी, यहां उसका घर था। जिसके बाद हम एमिली को यहां बीच किनारे देखते हैं, जिसके अगले सीन में हम एमिली को कई सारे लोगों के साथ देखते हैं जिन्हें वो डमी शॉपिंग करके $200 कमाने का लालच देती दिखती है। यानी कि अब एमिली ने यूसुफ की तरह अब खुद का क्रेडिट कार्ड स्कैम का धंधा बना लिया था और लोगों से डमी शॉपिंग करवाने लगी थी। और इसी के साथ यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फिर जल्द लौटेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।